ये तीसरे सेशन में हमें फिर कंप्यूटेशनल ग्रामर फॉर उर्दू और डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स देखने, और पहले दो सेशंस की तरह इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं जिनकी मदद से हमें उर्दू ग्रामर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें से प्रेजेंटेशन पे ही रखूँ और उसे रन बाहर जाके एक्सेल में देखना या किसी और टूल में चला के देखना ना हो, बल्कि उसके स्क्रीनशॉट्स प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं। अच्छा, रीकैप, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज, यूडी इज अ फ्रेमवर्क फॉर कंसिस्टेंट एनोटेशन ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर एनोटेशन का फ्रेमवर्क है, और अच्छी बात इसमें यह है कि 90 से ज़्यादा लैंग्वेजेस इस पर आ चुकी हैं, इन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स इसमें बनाए हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया भर फॉलो कर रही है, तो उसे फॉलो करना, उसे समझना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? उसके बाद फिर दूसरी चीज़, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज, ये समझने के लिए हमें ये डिपेंडेंसी रिलेशन समझने हैं कि दो वर्ड्स के दरमियान में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, और इनमें से सबको हम वन बाय वन देखेंगे। नेक्स्ट जो आएगा, फिर हमने देखा था कि डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉर्नेल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और कॉर्नेल फॉर्मेट क्या होता है? पहले कॉलम में वर्ड आईडी होती है, दूसरे कॉलम में वो वर्ड होते हैं सेंटेंस के, जहीन लड़कियों ने अच्छी किताबें पढ़ी थी। फिर थर्ड में उसका लेमा या रूट होता है कॉलम में, फोर्थ में उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच जो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज ने इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर अगर आपकी लैंग्वेज स्पेसिफिक कोई पार्ट ऑफ स्पीच है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद वाला कॉलम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का होता है, जगह बचाने के लिए, और असल चीज़ क्योंकि हम डिपेंडेंसी पे बात कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी पे फोकस करने के लिए इसे खाली छोड़ दिया है, वरना यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आते। और फिर ये कौन सा वर्ड किस से रिलेटेड है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जहीन डिपेंड कर रहा है लड़कियाँ पर, लड़कियाँ डिपेंड कर रहा है पढ़ी पर। और ये टाइप कौन सी है? टू जो है जहीन, टू पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के दरमियान में एडजेक्टिव मॉडिफायर है। फिर सिक्स, और टू और सिक्स के दरमियान में रिलेशन जो है वो सब्जेक्ट का रिलेशन है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इस एग्जांपल को मैं ठीक कर दूंगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है और वो काफ़ी अरसे से चली आ रही है। अब आज की चीज़, बल्कि ये लास्ट चीज़ आ गई कि हम करते क्या हैं, हम अपना डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं नोटपैड में या और किसी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल में, और उसको या तो सेव कर लेते हैं या उसे फाइल में, उस फाइल को रीड कर लेते हैं या यहाँ पे रीड करके। इस टूल का काम यह होता है कि आपको डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर विजुलाइज करके दिखा देता है कि नाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का नंबर 3 पे डिपेंड करता है, तो वो लड़का और नंबर 3 यानी पढ़ता के दरमियान एक लिंक बना के आपको शो कर देगा। तो ये शो करके दिखा देता है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक्स पर, के ये तकरीबन 10 सेंटेंस हैं जिन्हें हमें देखना है, और इसकी 3-4 कैटेगरीज हैं। पहला सेंटेंस तो जस्ट रिपीट है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने लड़के को पीटा। तो उसी टूल में यूज हुआ है, पीटा रूट है। इसमें मैं अभी जो कॉर्नेल फॉर्मेट में लिखी हुई डिपेंडेंसीज हैं वो मैं नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक एग्जांपल में उसे डिस्कस किया है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम देख रहे हैं अपनी समझने के लिए, फिर कंप्यूटर को समझाने के लिए उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तीनों चीजें शेयर कर दूंगा क्योंकि पिछली दफा भी हमने वो देखा था। तो रूट वर्ड, हमने लड़के को पीटा का रूट वर्ड पीटना है, उसका सब्जेक्ट हम है, तो पीटा और हम के दरमियान नॉमिनल सब्जेक्ट वाला रिलेशन है, पीटा और ऑब्जेक्ट के दरमियान लड़के वाला रिलेशन है, लड़के के दरमियान ऑब्जेक्ट का रिलेशन है। फिर हम का केस ने है,
लड़के का केस को है। केसेस के नाम होते हैं, जैसे इस केस का नाम अर्गेटिव है, ने जब आता है तो अर्गेटिव मार्कर होता है, को बहुत सारे सेंसेस में एक्यूजेटिव मार्कर होता है। तो ये कभी शायद नेक्स्ट टाइम हम देख लें वन बाय वन के किस केस का क्या नाम है। तो हमने लड़के को पीटा बिल्कुल पिछली दफा की तरह ही है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हमने ये कह दिया कि हम जो है वो पीटा का सब्जेक्ट है और लड़के जो है पीटा का ऑब्जेक्ट है। ये कैसे पता चला? हमें ये कैसे पता चला कि हाउ डू वी नो डेट अ वर्ड और फ्रेज इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? लड़के क्यों नहीं सब्जेक्ट है और हम क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? तो क्या हमारे पास वर्ड सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की कोई डेफिनेशन मौजूद है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हम किस तरह से टेस्ट करके बता सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डील कर, कौन सी चीज सब्जेक्ट है, कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि ऑब्वियसली हमें पता है, हमारे एक्सपीरियंस से जानते आए हैं, लेकिन इसके लिए लिंग्विस्टिक्स में टेस्ट मौजूद हैं। तो मैं जस्ट टेस्ट के नाम शेयर कर रहा हूँ और एक टेस्ट शेयर करूंगा, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आपसे कोई आके सवाल करे कि हमें कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है। और अभी आज के एग्जाम्पल्स में ये चीजें शामिल नहीं है, लेकिन आगे कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसी आएंगी जिसमें हम पूछेंगे कि भाई इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा, ये दोनों नाउन फ्रेज या केस फ्रेज लग रहे हैं, इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वहां हमें फिर ये फैसला करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन कोर्स था MIT में, ग्रामर फॉर न्यू इंडो एरियन लैंग्वेजेस, उसके एक लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट है। ये लेक्चर सीरीज राजेश भट्ट ने करवाई थी MIT में 2003 में, और बहुत अच्छा है कि अगर आप उर्दू, हिंदी और दूसरी साउथ एशियन लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो ये देख लें। इसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, आगे भी जाके हम इसे रेफर करेंगे। तो इसमें टेस्ट फॉर सब्जेक्टहुड, सब्जेक्ट होने के कोई चीज सब्जेक्ट है या नहीं, उसके क्या क्या ग्रामेटिकल टेस्ट हैं वो गिवन है। मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ कि ये इतने सारे टेस्ट होते हैं, कंट्रोल इनटू एडजंक्ट्स, बिहेवियर इन इनफिनिटाइवल क्लॉज, और ये एक तीन तीन छः, और ये सात टेस्ट डिस्कस किए गए हैं जो न्यू इंडो एरियन लैंग्वेजेस, जिसमें उर्दू, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, नेपाली ये शामिल है, इनके लिए ये टेस्ट हैं। जरूरी नहीं कि हर टेस्ट हर लैंग्वेज में काम करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस पे वो काम करता है। तो एक इसमें जैसे कंट्रोल इनटू एडजंक्ट वाला उन्होंने डिस्कस किया कि विनोद ने सीता को खिड़की खोल कर बुलाया। अब अगर ये खिड़की खोल कर एक क्लॉज आ गई है, तो इस क्लॉज का सब्जेक्ट कौन सा है? ये हमेशा जो गिविन नहीं है, खिड़की खोलना, तो खिड़की खोलने का काम किसने किया, विनोद ने या सीता ने? तो जो सब्जेक्ट होगा वो इस वाले इन्फिनिटाइवल क्लॉज का भी हेड होगा। तो इन एडजंक्ट, इस टाइप के एडजंक्ट्स को का सब्जेक्ट वही होगा जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होगा। तो ये टेस्ट हो सकते हैं कि ये कभी भी सीता को या ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा होगा। और इसी तरह से उससे आसान टेस्ट है, क्योंकि क्लॉज डिस्कस नहीं की थी हमने, तो मैं ये देख लें, अगर ये रिफ्लेक्सिव है अपना, ये तो अपना रिफ्लेक्सिव को कौन किसके साथ अटैच हो रहा है? हम ये कह रहे हैं अंजुम ने अदनान को अपनी गाड़ी दी, तो ये अपना जो है ये अंजुम की गाड़ी है या अदनान की गाड़ी है? तो रिफ्लेक्सिव जो सेंटेंस में आ रहा होता है वो हमेशा सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है, ये एक सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर आपको अदनान की गाड़ी कहनी होगी तो अंजुम ने अदनान को उसकी गाड़ी दी कहेंगे। तो अपना जिसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं हमेशा सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, और ये मरियम भट्ट के की बुक्स से की एग्जाम्पल है जो मैंने उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी है। तो इस तरह के टेस्ट हैं जिसकी बेस पे फैसला होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर इन टेस्ट को रेफर करना पड़ेगा। कंफ्यूजन नहीं है तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है। लेकिन अगर
डिस्प्यूट हो जाए लोगों में, दो लोगों में, कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये टेस्ट फैसला करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं पैसिव पर। तो पैसिव को यहाँ कैसे मॉडल किया जाता है यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में? यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में पैसिव को मॉडल करने के लिए आप एन सब्जेक्ट रिलेशन, सिंपल सा जो रूल होता है, क्लिंटन डिफ्यूजन डॉल, और जब आप इसे पैसिव बनाएंगे तो डॉल वॉज डिफीटेड बाय क्लिंटन, जो ऑब्जेक्ट था पुराने वाली डिपेंडेंसी में वो सब्जेक्ट बन गया, और उस एन सब्जेक्ट के आगे कॉलन ला के पैसिव भी लिख देते हैं, तो जस्ट जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, नॉर्मली जब उसे पैसिव एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो डॉल वॉज डिफीटेड बाय क्लिंटन एंड सब्जेक्ट पैसिव है, और ये जो कि बाय क्लिंटन है ये एक ऑब्लिक हो जाएगा, ऑब्लिक अभी आते हैं आगे तो हम उसमें डिस्कस कर देते हैं। तो ये वाली बात हो गई, ये सिंपल सा आइडिया है। तो उर्दू के लिए भी डिस्कस करें तो उर्दू वाली एग्जाम्पल की किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ी गई उर्दू में, अगर वर्ब परफेक्टिव फॉर्म में हो, पढ़ा पढ़ी पढ़े पढ़े, और उसके बाद जा की कोई फॉर्म आ रही हो, पढ़ा, किताबें पढ़ी जाती हैं, किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ी गई थी, ये सब पैसिव हैं कि वर्ब परफेक्टिव फॉर्म में है और उसके बाद जा या जाना ऑक्सिलरी की कोई फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, तो इसको देख लें, किताब नाउन है, पढ़ी वर्ब है, गई जो है वो ऑक्सिलरी है और इसका रूट जाहिर है जाना होगा, तो गया गई वगैरह बहुत दफा मेन वर्ब के तौर पे भी आते हैं, जैसे अभी आगे एग्जांपल आ रही है लड़का घर गया, उसमें गया जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन इस एग्जांपल में ये ऑक्सिलरी है। अच्छा जी, तो वर्ब रूट वर्ब पढ़ी है, इसका सब्जेक्ट नाउन है किताब, और बस उर्दू में जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ था बाय क्लिंटन, उर्दू में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किताब हमसे पढ़ी गई या हमारे जरिए पढ़ी गई, तो उर्दू में नॉर्मली ये सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस अक्सर उमिट ही कर दिया जाता है। तो ये किताब पढ़ी गई, नाउन सब्जेक्ट पैसिव है। अच्छा, एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि उर्दू का यूनिवर्सल डिपेंडेंसी का जो एनोटेटेड कॉर्पस है उसमें जितना मैंने देखा है, मुझे उसका थोरो एनालिसिस करना है, लेकिन जितनी एग्जांपल्स देखी हैं उनमें ज्यादातर में ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखा गया, यानी उसमें ये किताब ऑब्जेक्ट ही होगी, तो जस्ट उन, और मुझे उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही कि उन्होंने ये डिसीशन क्यों लिया है, सही लिया है या गलत लिया है, तो हम अपनी, बल्कि ये जो सेकेंड एग्जाम्पल भी, तो ये उन्होंने इसे ऑब्जेक्ट ही रखा है, लेकिन इंग्लिश को देखते हुए और जो डेफिनेशन को देखते हुए इसे सब्जेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक ओपन क्वेश्चन है, और ये मुझे एक दफा प्रोसेस भी करना है, जो अभी तक मुझे पूरी तरह से टाइम नहीं मिल पाया कि उर्दू के कॉर्पस और हिंदी के एनोटेटेड यूनिवर्सल डिपेंडेंसी कॉर्पस में देख के मैं एग्जाम्पल देख सकूँ कि कितने पैसिव सेंटेंसेज ऐसे हैं जिसमें ना एन सब्जेक्ट पैसिव यूज हुआ है और कितने में एन सब्जेक्ट पैसिव यूज नहीं हुआ बल्कि ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, और वो लोग क्या करना चाहते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है ये आपको खुद सोचना है। जैसे ये भी एग्जांपल है, लड़के को पीटा गया, तो हमने लड़के को पीटा जो पहली एग्जांपल थी और उसको उसका पैसिवाइज किया, लड़के को पीटा गया, तो लड़के को ये एन सब्जेक्ट पैसिव भी हो सकता है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात होगी कि सब्जेक्ट के साथ को लगा हुआ है, या ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो जिस तरह से उर्दू यूनिवर्सल डिपेंडेंसी एनोटेशन वालों ने किया। तो ये ओपन क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, किसी का कोई आइडिया हो तो बताए कि इन दोनों में से क्या होना चाहिए। एक रूल बनाना है और उसे फॉलो करना है कि हम हमेशा इसे एंड सब्जेक्ट पैसिव लेंगे या हमेशा ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि दोनों की गुंजाइश मौजूद है। अच्छा जी, तो ये एक है कि आप
अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर आप लोग अपना कॉर्पस बना रहे हैं तो इन दोनों में से फैसला कर लें। अगर किसी कॉर्पस को या बने बनाए सिस्टम को प्रोसेस कर लें तो देख लें कि वो सब पैसिव के सब्जेक्ट को किस तरह से डील कर रहा है। क्या वो उसे पैसिव के सब्जेक्ट को एक्टिव के सब्जेक्ट की तरह और एक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट की तरह ऑब्जेक्ट ही ले रहा है या वो सब्जेक्ट के तौर पर डील कर रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से क्योंकि हम अब तक 10 12 15 ये वाले डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर देख चुके हैं तो जस्ट मैं उस चीज पे फोकस करता हूँ जो रेलेवेंट है। मतलब पीटा और गया के दरमियान में ऑक्सिलरी रिलेशन है या पीटा और फुल स्टॉप के दरमियान डैश के दरमियान पंक्चुएशन रिलेशन है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। या लड़के और को के दरमियान में केस रिलेशन है तो ये तो ऑब्वियस बातें हैं। मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ उन चीजों पर जो जो नई आ रही है। तो नई इशू या जो इशू है वो ये है कि वर्ब और लड़के के दरमियान में ऑब्जेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। और जितना मैंने देखा है उर्दू यूनिवर्सल डिपेंडेंसी कॉर्पस में ये इस तरह की चीजें ज्यादा हैं, या फिर हम इसे एंड सब्जेक्ट पैसिव भी कहें। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है कि आप इन दोनों में से किसी पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला ग्रामेटिकल फंक्शन या डिपेंडेंसी रिलेशन जो है वो आई ऑब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश से जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट आया है उसकी एग्जांपल, इंटरमीडिएट कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश में शी गेव मी अ रेज और शी गेव अ रेज टू मी, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। शी गेव मी अ बुक और शी गेव अ बुक टू मी, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं, एक बात को दोनों तरह कह सकते हैं। तो शी गेव मी अ रेज में अ रेज जो है वो ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश इसे इस तरह से मॉडल करती है, गेव का सब्जेक्ट शी है, गेव का ऑब्जेक्ट मी है, गेव का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और गेव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेज है। अगर ये होता है कि शी गेव अ रेज टू मी तो अ रेज फिर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता और मी जो है, टू मी जो है वो ऑब्लिक बन जाता। तो एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मैं बार बार गलत कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है ग्रामर में इस तरह की कंस्ट्रक्शंस में जिसमें दो ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो रेसिपियंट होता है आमतौर पे उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। तो मीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कन्वर्ट, जो किसी और सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है ऑब्लिक में, शी गेव अ रेज टू मी में। तो अब हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि क्या उर्दू में उसने मुझे किताब दी में मुझे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ये एक सवाल है कि उर्दू में हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस का जिक्र किया। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ लाजमी नहीं कि डाई ट्रांजिटिव गिफ्ट में इस्तेमाल हो रहा हो, ये और भी ग्रामेटिकल रिलेशंस में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एक लैंग्वेज की जो इन्होंने एग्जांपल दी है उसमें द गर्ल राइट अ लेटर विथ पेन, तो जो विथ पेन है कलम से लिखा या पेन से लिखा उसको भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया गया है। तो गर्ल सब्जेक्ट है, राइट जाहिर रूट है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लें, और विथ पेन पेन से लिखा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा है। तो हम ये कर सकते हैं अगर कोई लैंग्वेज वाला ये चाहे तो किसी और चीज को भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे डील कर सकता है क्योंकि इन्होंने अपनी मेन डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा है। अच्छा, इन लैंग्वेजेस डिस्टिंग्विश मॉर्फोलॉजिकल केसेस, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल ऑफन बी मार्क बाय द डेटिव केस। अक्सर लैंग्वेजेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस से मार्क होता है। डेटिव केस का मतलब उर्दू के पर्सपेक्टिव से उसका उसमें को आ रहा होगा। तो उर्दू में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है, और किस किस सिनेरियो में करना चाहिए। तो एनालाइजिंग अ सबसेट ऑफ एग्जाम्पल्स इन उर्दू यूनिवर्सल डिपेंडेंसी, उर्दू यूनिवर्सल डिपेंडेंसी का पिछले वाले में मैंने आपसे शेयर किया था कि ये फाइल्स आपके पास मौजूद हैं, उनको जस्ट मैंने स्क्रॉल किया था तो उसमें मुझे जो चीज़ें नज़र आईं शुरू की चंद एग्जाम्पल्स में कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या तो एड्रेसी को मैंने उससे बात की
मैंने उससे सवाल पूछा, तो उससे जो है वो एड्रेसी है जिससे बात हो रही है, उसको बहुत सारी एग्जाम्पल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे लिंक किया गया है, और दूसरी चीज की रेसिपियंट वो इसी तरह की एग्जाम्पल के मैंने उसको एक किताब दी, तो उसको जो है ना जो रेसिपियंट है उसको भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर डील किया गया है। तो क्या इन दोनों को करें? डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिल सकी कोई कि उनकी पॉलिसी क्या है कि किन चीजों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहना है और किन चीजों को जो आगे एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है ऑब्लिक कहना है, उन दोनों में डिस्टिंग्विश करने की क्या बात है, और क्या हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है या इन सारी चीजों को इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हर चीज को ऑब्लिक ही कह दें, ये एक ओपन क्वेश्चन है। तो कभी बैठ के मुझे एक काम करना है कि मैं बैठ के उर्दू के सारे कॉर्पस डील करूं और उसमें वो सारी एग्जाम्पल्स एक जगह रख लूं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली हैं। कुछ प्री कंपाइल्ड मिलती भी हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के साथ आती हैं, लेकिन उसमें उन्होंने चंद एग्जाम्पल्स दी हैं, सारी एग्जाम्पल्स नहीं दी, तो सारी एग्जाम्पल को प्रोसेस करना है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये वाला जो सेंटेंस था, लड़के ने लड़की को किताब दी, इसका इसमें क्या रिलेशंस हैं? देना मेन वर्ब है, रूट इज दी। अच्छा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देना का लड़का है ऑब्वियस, और हर एक के साथ उसके केस लगा हुआ होगा, तो लड़के ने ये केस है। फिर इसका ऑब्जेक्ट लड़की है, लड़की को, तो लड़की को ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब जो है तीसरी चीज की किताब जो है उसको किस तरह से डील करेंगे, बल्कि ये गलत हो गया। मैं करता ये हूं कि अपने सेंटेंसेस को यूडी पाइप में कॉपी कर देता हूं, और वो जो स्ट्रक्चर जनरेट करता है उसमें अगर कोई एडिट करना होता है तो एडिट कर देता हूं। इस वक्त एडिटिंग में मुझसे ये मिस हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये असल में सवाल है कि ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है या ऑब्लिक है। यूडी पाइप ने यह गलत पार्स करके दिया और मैंने वो गलत वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये इंटरमीडिएट, ये जो आपके पास लड़की है, दी और लड़की के दरमियान में, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये ऑब्लिक भी हो सकता है, तो इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्लिक में से फैसला करना है। किताब हर सूरत में ऑब्जेक्ट होगी, तो ये करेक्शन मैं कर दूंगा कि किताब और देने के दरमियान ऑब्जेक्ट रिलेशन है, कि किताब देने का ऑब्जेक्ट है और किसको दी गई, लड़की को दी गई, तो ये रेसिपियंट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कोई चाहे तो इसे ऑब्लिक भी मॉडल कर सकता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्लिक वाले जो हैं ये एक दूसरे से स्वैप हो जाएंगे। तो लड़की ने लड़की को किताब दी, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल थी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हमें रेसिपिएंट्स में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाना है कि लड़की देना हो गया और इस तरह की चीजों में, या मैंने उससे बात की, उससे कहा, इन सब को क्या हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे मॉडल करना है या नहीं करना, ये क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं कि जो बड़ी बड़े हमने डिपेंडेंसी रिलेशन देख लिए, एंड सब्जेक्ट नॉमिनल सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, और तीसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया, आई ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब लेवल पे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो वर्ब लेवल पे अब ये चार पांच एग्जाम्पल्स जो हैं, ये जो चारों एग्जाम्पल्स हैं ये एक ही तरीके से डील हो सकती हैं, लड़की कोयटा से आई थी। अब इसमें कोयटा से क्या होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? लड़का घर गया, तो इसमें घर क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अच्छा, लड़की ने आज लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी, तो किताबें तो ऑब्जेक्ट है, लाइब्रेरी में क्या ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है? लड़के ने ग्लास में पानी भरा, पानी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ग्लास में क्या है, ये सारी चीजें देखनी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में नॉर्मली होता है, इसके कैनोनिकली ऐसा होता है, इसके एक्सेप्शंस मौजूद हैं, कि सब्जेक्ट जो है वो प्रोटो एजेंट होता है, यानी वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रोटो पेशेंट होता है, यानी उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। और ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में ये दो ही
पार्टिसिपेंट होते हैं, और नॉन पार्टिसिपेंट्स को जो वर्ब से रिलेटेड नहीं होते उनको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह रहे होते। तो अब इनमें लड़की कोयटा से आई या लड़का घर गया, लड़का घर गया में क्या घर ऑब्जेक्ट है? तो ये घर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लड़का घर पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। ये पार्टिसिपेंट तो हो सकता है, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पार्टिसिपेंट है, और उस पार्टिसिपेंट को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट टेस्ट भी होते हैं, जैसे सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं ऑब्जेक्ट टेस्ट भी होते हैं। तो हम उन ऑब्जेक्ट टेस्ट के हिसाब से ये देख सकते हैं कि घर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब ये चीजें क्या है? ये चीजें यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में इन्हें ऑब्लिक नॉमिनल कहते हैं। ऑब्लिक नॉमिनल क्या है? ऑब्लिक रिलेशन इज यूज फॉर अ नॉमिनल नाउन हो, प्रोनाउन हो, या नाउन फ्रेज हो, फंक्शनिंग एज नॉन कोर आर्गुमेंट और एडजंक्ट ऑफ द वर्ब। आगे कॉपी मैंने नहीं किया, वर्ब और अदर थिंग्स। तो ये नॉन कोर आर्गुमेंट है वर्ब का। अच्छा, नॉन कोर आर्गुमेंट का मतलब क्या है? नॉन कोर और एडजंक्ट। अच्छा, आर्गुमेंट कहने का मकसद यह है कि जो एक्शन परफॉर्म करना है, अगर आने वाला एक्शन है तो आने के लिए कोई एक पार्टिसिपेंट होगा जो आ रहा होगा, और कोई जगह है जहां पे उसे अराइव आना होगा। तो ये दोनों चीजें आपको डिफाइन करना जरूरी है। आना कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये तीनों इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरह से जाना जो है, कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, फिर कहाँ से जा रहा है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह के आर्गुमेंट है, लेकिन नॉन कोर आर्गुमेंट है, क्योंकि कोर आर्गुमेंट यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज के हिसाब से वही तीन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके अलावा बाकी सबको वो नॉन कोर आर्गुमेंट कह रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो आर्गुमेंट भी नहीं होती, जैसे लड़की ने किताबें पढ़ी। तो पढ़ने में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लड़की ने पढ़ी, और क्या चीज़ पढ़ी? किताबें पढ़ी। बाकी सारी चीज़ें इनको डिफाइन कर रही होती हैं कि आज के दिन पढ़ी और लाइब्रेरी में पढ़ी। ऊपर वाले सेंटेंस में भी कह सकते थे कि लड़का आज घर गया, और इसी तरह से नीचे वाले में भी कह सकते हैं लड़के ने आज ग्लास में पानी भरा। ठीक है, तो ये चीज़ें पार्टिसिपेंट नहीं होती। तो आज और लाइब्रेरी में पार्टिसिपेंट नहीं होती, तो इनको बहुत सारी ग्रामर स्कीम्स ऐसी हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं। एक जो आर्गुमेंट है, जिसे यूनिवर्सल डिपेंडेंसी वाले नॉन कोर आर्गुमेंट कह रहे हैं, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट के अलावा, लेकिन वो आर्गुमेंट है कि वर्ब का स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे आर्गुमेंट है। और दूसरी चीज़ को एडजंक्ट कहा जाता है कि ये एक्स्ट्रा मॉडिफायर है, ये लाजमी पार्ट नहीं है, यानी ये आर्गुमेंट नहीं है। एलएफजी में इन दोनों के लिए दोनों अलग चीजें होती हैं, पहले वाले के लिए ऑब्लिक होता है और दूसरे वाले के लिए एडजंक्ट होता है। यूनिवर्सल डिपेंडेंसी वालों ने ये कहा कि आप बहस करते रहेंगे कि क्या घर जो है वो आर्गुमेंट है, ऑब्लिक होना चाहिए या एडजंक्ट होना चाहिए, ग्लास में पानी भरा में ग्लास में आर्गुमेंट है, ऑब्लिक होना चाहिए, या ये एडजंक्ट है होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसने इन दोनों को मर्ज कर दिया कि वो वर्ब का लास्ट पार्टिसिपेंट है या वर्ब का आर्गुमेंट है या वो आर्गुमेंट नहीं है, ये बहस ही नहीं हो रही। वो इस वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है तो वो ओबीएल ओबिल होगा। तो एलएफजी के हिसाब से वो इन दोनों तरह की चीजों को अलग करते हैं। वो इन सबको कोर आर्गुमेंट कह रहे होते हैं और उसे ओबीएल ओबिल ऑब्लिक कह रहे होते हैं, और जो नॉन कोर होते हैं उनको वो एडजंक्ट कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबको एक साथ मिला दिया ताकि एनालिसिस आसान हो जाए। तो अब ओबिल की एग्जांपल देख लें, पहले दूसरी लैंग्वेजेस से फिर हम उर्दू पे आ जाएंगे। तो ओबिल की एग्जांपल में गिव द चिल्ड्रन द टॉयज, तो ये पहली एग्जांपल तो वो है जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से ही, दे गिव द चिल्ड्रन द टॉयज, ये वही इंटरमीडिएट
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसी बात है कि द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये रिसीवर या रेसिपिएंट है, और टॉयज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे खाली ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर गिव द टॉयज टू द चिल्ड्रन होता तो द टॉयज फिर भी ऑब्जेक्ट ही है, टू द चिल्ड्रन का चिल्ड्रन जो है ना वो ऑब्लिक हो गया। तो गिफ्ट से ऑब्लिक रिलेशन गया चिल्ड्रन तक, क्योंकि नाउन वर्ब का रिलेशन नाउन के साथ बनता है और उसके साथ टू के चिल्ड्रन का टू के साथ केस रिलेशन है और चिल्ड्रन का द के साथ डिटरमाइनर रिलेशन है। लेकिन बेस चीज ये है, जब ये टू द चिल्ड्रन हुआ तो ये रिलेशन ऑब्लिक बना, और जब ये खाली चिल्ड्रन था तो ये आई ऑब्जेक्ट बना था। तो ऑब्लिक इस तरह के एग्जाम्पल में आता है, गिव द टॉयज टू द चिल्ड्रन। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमने बच्चों को खिलौने दिए, तो खिलौने तो ऑब्जेक्ट ही हो गया। बच्चों को हम ऑब्लिक कह दें फाइव की तरह, या बच्चों को हम आई ऑब्जेक्ट कह दें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह दें फोर की तरह। ये फिर एक फ्रेंच, शायद फ्रेंच है, फ्रेंच की एग्जाम्पल या किसी और लैंग्वेज की एग्जाम्पल। फिर आ जाए, अच्छा यही ऑब्लिक इस्तेमाल होता है टेम्पोरल एंड लोकेशनल नॉमिनल मॉडिफायर्स में, कि ये सिर्फ टाइम या लोकेशन बता रहे होते हैं, और इनके लिए अगर एलएफजी में या और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में जाएं तो इनके लिए एडजंक्ट इस्तेमाल होता है। लेकिन यूनिवर्सल डिपेंडेंसी ने हर किस्म के नॉमिनल मॉडिफायर जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हों उन सबको ही ऑब्लिक कहती है। तो आई स्वैम इन द पूल, तो इन द पूल ये ऑब्लिक है, यानी पूल में मैं तैर रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा कहाँ तैर रहे हैं। और लास्ट नाइट कब तैर रहे थे, लास्ट नाइट, तो ये नाइट भी ऑब्लिक है। तो ये दोनों ही ऑब्लिक बन रहे हैं, इनमें से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनमें से कोई एडवर्बियल। अक्सर ये भी कंफ्यूजन होती है कि एडवर्ब की डेफिनेशन भी ये है, तो एडवर्बियल मॉडिफायर भी नहीं है। एडवर्बियल मॉडिफायर आगे एग्जाम्पल में आ जाएगा कि हम किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब लेवल पर जो भी एडवर्बियल जैसी चीजें हैं जिसे हम आम जिंदगी में एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, वो ऑब्लिक होंगे। तो स्वयं जुड़ा हुआ होगा पूल के साथ, और इन दोनों के दरमियान में ऑब्लिक रिलेशन होगा। स्वयं और लास्ट नाइट के दरमियान में भी ऑब्लिक रिलेशन होगा। अच्छा, और क्या चीज ऑब्लिक होती है? पैसिव का सब्जेक्ट, द डॉग चेज्ड द कैट, ये एग्जाम्पल थी पहले हमारी। उसके बाद हमने उसी को पैसिवाइज कर दिया, द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग। तो द कैट जो है, जो पिछले वाले सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एंड सब्जेक्ट पैसिव बन गई, और बाय द डॉग जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो ऑब्लिक बन गया। ऑब्लिक के साथ हमने कॉलन डाल के एजेंट लगा दिया कि ये एजेंट है, यानी एक्टिव सेंटेंस का एजेंट या सब्जेक्ट था। तो द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग, द बुक वॉज रेड बाय मी, इन सारे में भी बाय के बाद जो चीज आ रही है वो ऑब्लिक होगी। तो ऑब्लिक सेंटेंस लेवल पर जो भी नॉमिनल मॉडिफायर है, चाहे वो नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर आ रहा हो, चाहे वो नाउन अकेला आ रहा हो, उन सबको हम ऑब्लिक कहते हैं, सिवाय अगर वो सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट चली जाएं तो ऑब्लिक चली जाएंगी। एडवर्बियल मॉडिफायर कुछ और होते हैं, पहले उर्दू के एग्जांपल देख लें, उसके बाद एडवर्बियल मॉडिफायर पे जाएंगे। तो दो तीन चीजों से ऑब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ओबल को नाउन मॉडिफायर भी होता है, लेकिन नाउन मॉडिफायर नाउन के लेवल पर होता है, वर्ब के मॉडल पे नहीं होता। एडवर्बियल मॉडिफायर भी वर्ब के लेवल पे जो नाउन, वर्ब और नाउन के दरमियान में रिलेशन होता है उसे ऑब्लिक ही कहते हैं, उसे ना हम नाउन मॉडिफायर कहेंगे ना एडवर्बियल मॉडिफायर कहेंगे। अच्छा, तो अब लड़की क्वेटा से आई थी, इसको किस तरह से मॉडल करना है? लड़की क्वेटा से आई थी, इसको मॉडल करने के लिए रूट है आना, आई, इसका सब्जेक्ट है, ये फिर ये वो चीज है जो मैं चेंज नहीं कर, जो चेंज नहीं हो पाई। यूडी पाइप से मैंने कॉपी पेस्ट किया और
जो चीजें मुझे नजर आई वो हो गई, लेकिन बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। तो पहला वाला सब्जेक्ट होगा, आना और लड़की के दरमियान में जो रिलेशन है वो सब्जेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और क्वेटा से, क्वेटा और आई के दरमियान में जो रिलेशन है वो ऑब्लीग है, और क्वेटा और केस के दरमियान में रिलेशन, से के दरमियान में रिलेशन केस है। तो लड़की सब्जेक्ट हो गया, क्वेटा से ऑब्लीग हो गया, किसका वर्ब आई या आना का, और फिर इसी वर्ब का ऑक्सिलरी थी है और पंक्चुएशन फुल स्टॉप है। तो लड़की क्वेटा से आई थी तो क्वेटा से ऑब्लीग हो गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है पहला लड़की का रिलेशन।